हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे मॉर्निंग का। तो जी बज चुके हैं सुबह के 7:15 और मैंने वही है जो मेरी रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग का रूटीन था, मैं नहा ली, मंदिर वगैरह हो गया, ये गौग्रास निकाल लिया है। जैसे कि मैंने बताया था आज तीसरा श्राद्ध है, तो मैंने सबसे पहले गऊ ग्रास निकाला है और अब इसके बाद लगी हूँ मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी करने में, क्योंकि आज कई दिन के बाद जाना है बच्चों को स्कूल, क्योंकि कार्तिक की भी चल रही थी छुट्टियाँ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो जी अब बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि आज दोनों को ही स्कूल जाना है। कार्तिक का पेपर है और डुगू का वैसे ही रेगुलर स्कूल है, और डुगू के 16 तारीख से स्टार्ट है एग्ज़ाम। तो जी बस यहाँ पे मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो क्या हुआ था, सब्ज़ी तो मैं जैसे कि रोज़ाना की तरह ही मैंने रात को काट के रख दी थी, क्योंकि वही होता है ना कि सुबह के टाइम इतना टाइम होता का है, इस वजह से मैंने सब्ज़ी को रात को ही काट दिया था। और ये देखिए यहाँ चाय भी पक चुकी है और परोठी भी सिक गई है। तो पहले सबसे पहले लगाऊंगी मैं खाना का भोग, क्योंकि वही है जो कि कुछ भी पहले बनता है तो पहले उन्हीं को जाती है मेरी थाली। और इसके बाद लगूंगी मैं अपने सारे किचन के काम करने में, क्योंकि वही है सुबह के टाइम बहुत जल्दी जल्दी रहती है और इनके बच्चों की लड़ाई से दिमाग ख़राब होता है। मैं इनको नाश्ता देकर आई थी बच्चों को, तो क्या हुआ था, इन दोनों ने पता नहीं किसने चाय फैलाई बेड पे, और वो कह रहा उसने मेरे को धक्का दे दिया, डुग्गू कह रहा कार्तिक ने दे दिया, कार्तिक कह रहा डुग्गू ने दे दिया। तो और इसी बहस में चाय बेड गद्दे के अंदर बिल्कुल भर गई, और ये इतने बदतमीज हैं दोनों के दोनों, और उसके ऊपर इन्होंने रख दी थी, ढक दिया था टॉवल से। हाँ तो बस अगर गिर गई तो बताना तो चाहिए था, इन्होंने बताया नहीं, और अपनी तरफ से समझदारी दिखा के ना टॉवल और रख दिया, तो सारे गद्दे के अंदर चाय भर गई। तो फिर वही है ना, गुस्सा आती है सुबह सुबह, वही मैं काम यहाँ करूँ कि वहाँ करूँ, बस सलारा मचा दिया। फिर वही है सारी बेडशीट वगैरह उतारनी पड़गी, धोनी पड़गी, तो यहाँ पर मेरा ये काम फैल गया था इन दोनों के चक्कर में। फिर मैंने यही सोचा यार क्या सुबह सुबह बच्चों को मारा जाए, स्कूल जा रहे हैं, चल गिर गई तो गिर गई, अपने से भी गिर सकती थी ना। और वही है ना, बस ये है ये एक दूसरे को इरिटेट इतना करते हैं, पता नहीं किसने किसको धक्का दिया, वो चाय उनकी फैल गई थी। हाँ तो बस यहाँ इन्होंने नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया था, और अब मैं लगूंगी जल्दी से जो भी सुबह के मेरे ये बर्तन हुए हैं ना, मैं इनको भी साथ के साथ ही साफ़ कर दूंगी, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया और डुगू का टिफ़िन बन गया, और कार्तिक तो वही है नाश्ता करके गया, क्योंकि कार्तिक आ जाएगा जल्दी इस वजह से। और यहाँ पे बस किचन में जो भी ये सुबह के जो बनाने के बर्तन हुए हैं ना, अभी मैंने और इन्होंने तो नाश्ता वगैरह कुछ करा नहीं है, तो इन्होंने भी पूजा वगैरह कर ली है और ये चले गए हैं शॉप पे। तो इनको मैं दूध दे कर आऊँगी अभी बना के, ठंडा दूध लेते हैं ये कॉम्प्लेन वाला, वही बादाम पिस्ते वाला, तो इनको वो वाला दूध दे कर आऊँगी। और जब तक मैं ये सारे बर्तनों को जो भी छोटे मोटे बर्तन हुए हैं ना बनाने के, तो इनको भी मैं सोच रही हूँ पहले साफ़ करके ही जाऊँगी नीचे शॉप पे, क्योंकि नीचे जाऊँ ना तो फिर 5 से 10 मिनट मेरे ख़राब हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है, तो इस वजह से। और अभी मशीन में से कपड़े निकालूंगी, तो बस मैं अभी मंदिर ही गई थी और मैंने पूजा नहीं करी थी, क्योंकि वही ना सुबह टाइम नहीं मिला मेरे को, मैंने सोचा पहले टिफ़िन वगैरह बच्चों को रेडी कर देती हूँ, इसके बाद ही मैं पूजा करूंगी। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, और मैंने एक बार के कपड़े हाँ खंगाल लिए थे, तो कपड़ों को खंगालने के बाद ना फिर जाऊंगी मैं पूजा करने। और यहाँ ना मैं भिंडी लेकर आई थी मंडी से, तो मैंने सोचा क्यों ना भिंडी को भी धो के रख दूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, थी तो फ्रिज में, फिर भी अजीब सी हो जाती है, फ्रेश नहीं रह पाती ज़्यादा गर्मी में चीज़ें। और यहाँ पे ये सारे कपड़े मेरे एक राउंड के फर्स्ट राउंड के धुल गए थे, और अभी बेडशीट वगैरह धोनी है, जैसे कि उन्होंने चाय गिरा दी है, तो वो सारी बेडशीट फिर मैंने दोनों रूम्स की उतार ली थी। और यहाँ बालकनी भी धो दी थी मैंने सुबह ही जल्दी से, क्योंकि आज मैं उठी थी 5:15 बजे, तो पाक गई नहीं, तो बस यही है मैंने घर के जो भी छोटे मोटे मेरे काम थे ना वो मैंने निपटा लिए थे। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट राउंड के कपड़े धुल गए थे, और दूसरे राउंड के अब मैं बस बेडशीट वगैरह खंगाल लूँगी जल्दी से।
हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे जो सेकंड राउंड के रह गए थे। बेडशीट बेडशीट थी तो मेरे दोनों रूम्स की बेडशीट धुली थी और अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ। चाय वाय मैंने पी ली थी, हाँ पूजा कर ली थी, इसके बाद फिर मैंने चाय वाय पीने के बाद अब मैं लगी हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अब आई हूँ मैं किचन में, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि कई दिन से ना मेरी दही रखी हुई थी फ्रिज में तो वो हो गई थी खट्टी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना कढ़ी चावल बना लेते हैं। और मैंने यहाँ दही में बेसन वगैरह ऐड करके ब्लेंडर से फेंट लिया था, तो ब्लेंडर से क्या होता है ना एकदम क्या कहते हैं गांठें वगैरह अच्छे से फूट जाती हैं बेसन की ना, तो बिल्कुल भी गांठ नहीं रहती। और यहाँ मैंने पकौड़ियों के लिए भी बेसन घोल के रख दिया है, तो क्या होता है ना मसालेदानी में ना पीछे बच्चों ने मेरे से पीछे कुछ बनाया था कार्तिक ने, तो वो मसालेदानी बिल्कुल झटके से रखते हैं ना तेज से, तो सारे मसाले हिल जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मसालेदानी को भी साफ़ कर लूँ, तो मैंने मसालेदानी पूरी अच्छे से धो ली थी साफ़ करके के और मसाले उसमें भर के तब मैंने दोबारा से लगाई थी। और बस यहाँ मैं किचन के लिए ये ड्रॉर्स वगैरह भी बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि बच्चों ने पीछे अपने हिसाब से ही कार्तिक ने कुछ ना कुछ सामान निकाला है तो ऐसे ही डाल दिया था, और किचन मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो बस अब मैं यही सोच रही हूँ कि अब दिवाली की सफाई पर मैं अच्छे से पूरे से क्लीन कर लूँगी। तो फिर भी वो ये रहता है ना कि जो भी चीज़ें हमें फैली हुई दिखती है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि ये इन ड्रॉर्स के बर्तन वगैरह ढंग से लगा दूँ। तो ये छोटा मोटा काम तो मैं मतलब किचन में जब भी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तो ये अच्छे से रख के ही निकलती हूँ। फिर यही रहता है ना खुद को ही फैले हुए बर्तन, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है देख के। और यहाँ मेरे साथ के साथ कढ़ी में भी उबाल आ ही रहा है, और इसी वजह से मैं यहाँ से ना हटी नहीं थी। मैंने कहा जब तक कढ़ी पकेगी तो तब तक मैं क्या कहते हैं यहाँ के बर्तन वगैरह और किचन काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन किचन साफ़ करने में ही 1 से 1.5 घंटा मेरे को आराम से लग गया था, क्योंकि कढ़ी बनाई पकोड़े बनाए तो वही टाइम तो लग जाता है ना किचन में जितना मर्जी करो आप। और यहाँ पे दूध मैंने रखा था तो बस देखो खड़े खड़े ही ना मेरा थोड़ा सा दूध बह गया था, तो फिर वो ये मैंने पूरी गैस वगैरह साफ़ करी अच्छे से, तो कढ़ी को रख दिया था फिर दूसरी सिम वाली गैस पे। और अब यहाँ पे मैं जल्दी से उतार लूँगी, थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनानी है, पकौड़ी ज़्यादा नहीं बनानी क्योंकि ज़्यादा पकौड़ी डलने के बाद फिर कढ़ी रखी हुई ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ कढ़ी में भी अच्छे से उबाल आने लग रहा था, और मैं बस बेसन को अच्छे से फेंट लिया था मैंने, और थोड़ा सा नमक और मसाले ऐड करके अब मैं थोड़ी सी पकौड़ियाँ उतार लूँगी जल्दी जल्दी से फटाफट से। और यहाँ देखो मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया है, क्योंकि जितनी देर में मैं कढ़ी चावल का काम मेरा हो रहा था ना, सॉरी चावल तो भी मैं एंड में चढ़ाऊँगी, तो उतनी देर में मेरा ये किचन का जितना भी काम था ये मैंने साथ के साथ निपटा लिया था। क्योंकि यही रहता ना अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो फिर एक साथ कई सारे काम हमारे छोटे छोटे निपट सकते हैं। ये नहीं है कि मैं कढ़ी बना रही हूँ तो मैं सिर्फ कढ़ी बनाऊँगी, तो इसके अलावा भी मैंने पूरा देखो किचन के सारे डिब्बे वगैरह जो भी थे सामने फ्रंट के सब मैंने साफ़ करके लगा दिए हैं, क्योंकि कैबिनेट को क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कैबिनेट सिर्फ 2 ही कैबिनेट साफ़ करी थी, जो भी जिसमें कि जो बड़े बड़े बर्तन थे ना वही है बर्तन निकालो तो वही फैल जाती है, तो वो मैंने कर ली थी। तो मेरे को तो किचन साफ़ करने में अगर मैं पूरा किचन साफ़ करूँगी तो 5 से 6 घंटे मेरे को लग जाएंगे एटलीस्ट, और ज़्यादा ही लग जाएंगे अगर दिवाली की सफाई करूँगी तो। वही है इसी चक्कर से मैं बस जो भी मेरे को सामने सामने दिखता रहता ना मैं सारा उठाती जाती हूँ गंद। और ये देख ले ये सारी ड्रॉर्स वगैरह को मैंने अच्छे से टाइल्स को भी मैंने सर्फ वाला कपड़ा मार दिया था, तो बस ऐसे ही मेरे किचन हरदम रहता है चमचमाता हुआ मेरे इन्हीं छोटी छोटी टिप्स की वजह से। तो जब भी रात को भी मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ ना तो सुबह उठती हूँ तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा किचन दिखता है। और अगर गंदा किचन छोड़ दो तो फिर बस दिमाग ख़राब हो जाता है कि सबसे पहले उठ के किचन साफ़ करो। तो इस वजह से अगर रात को ही हम अपना किचन अच्छे से साफ़ करके सोएंगे तो हमारे को सुबह का काम ये बहुत हल्का रहेगा। तो बस अभी यहाँ पे खाने का प्रिपरेशन हुई है और अभी मेरी सफाई रह रही है, तो बस अब मैं लग जाऊंगी सफाई में। और सीढ़ियाँ वगैरह मैं साफ़ कराई थी तो यहाँ पे इनकी शर्ट मेरे को प्रेस करनी थी, इन्हें कहीं जाना था क्योंकि सुबह तो टी शर्ट डाल के चले गए थे, तो मैंने उस पर भी प्रेस कर दी थी इनका कुर्ते पे।
और अब बस जल्दी से बिछा दूँगी मैं यहाँ पे बेडशीट, क्योंकि काम को हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा लेट सफाई को, क्योंकि रसोई में मेरे को 1.5 घंटा लग गया था खाना बनाने बनाने में ही। और फिर जब खाना बनाओ तो फिर वही है, रसोई का मैंने अच्छे से ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि अब दोपहर तक मेरी किचन बिल्कुल साफ़ रहेगी, बस खाना लेकर खाने का वो रहेगा, तो किचन का बनाने बनाने का काम तो पूरा निपट गया। और बस अब यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ गई है अच्छे से, और अब मैं लगा दूँगी झाड़ू और कर लूँगी साथ के साथ डस्टिंग। तो जी यहाँ पे हो गया है मेरा पूरा किचन क्लीन और घर भी हो गया है बिल्कुल साफ़, और बस पोछे पोछे का काम रह रहा है। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं लगा लूँगी यहाँ पे पोछा, और बाद में करूँगी मैं कपड़े तय, क्योंकि कार्तिक का आने का टाइम हो रहा है और अब बस बालकनी रह गई है, तो मैं बालकनी को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो जी सबसे पहले तो जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस जिसने भी सब्सक्राइब करा था ना, आधे से ज़्यादा लोग तो लेफ्ट हो गए, और वो ये पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं वीडियो पे इतना काम कर रही हूँ और मेरा वीडियो चल नहीं रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे बस अब मशीन को भी मैंने कर दिया है साफ़, पानी निकाल दिया है सारा गंदा। तो और अब मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड, क्योंकि काम मेरा पूरा हो चुका है, और अब नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और नया दिखाऊँगी। तो जी कल मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ करेंगे नए दिन की शुरुआत। तो जी जब तक अपना अपना ध्यान रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। मेरी सफाई हो चुकी है, और कुछ भी अच्छा लगे ना लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे देखिए पूरा घर हो चुका है मेरा क्लीन, अच्छे से साफ़ हो गया है, खाना भी बन गया है, सुबह का भी लंच भी मैंने दिखा दिया था, लंच में आलू शिमला मिर्च की सब्जी पराठे। तो अब आई थिंक 12:30 बजे तक मेरा पूरा काम निपट जाता है, और इसके बाद मैं नहाऊंगी, शावर लूंगी, फिर खाऊंगी खाना कार्तिक के साथ, बच्चे आ जाएंगे तब, तो वही है मेरे को 1 से 1.5 बज जाता है खाना खाने में। और यहाँ देखिए हो गया है पूरा काम कंप्लीट, और आ गया है शायद कार्तिक भी आ गया था, तो उसको भी मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि वो मेरे को वाइपर मारना भी भारी कर रहा था कि जल्दी से आ जाओ खाना दे दो, क्योंकि उससे भूखा रहा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो जी आ गया था, तो मैंने कहा लो पहले इसको खाना दे देती हूँ, और इसके डैडी भी आ गए थे, तो दोनों को ही मैंने खाना लगा दिया था, क्योंकि मैं तो नहा धोकर ही लूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो तुम लोग खा लो, मैं बाद में खाऊँगी, और इसमें लगा लेगा ये कान्हा का भोग लगा देगा। तो जी यहाँ बन गए गरम गरम कढ़ी चावल, जिस जिस से भी खाने हैं आ जाओ फ्रेंड्स।